हाय गाइस, आज बात करेंगे कैसे आप भी एक मॉडल की तरह लग सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो मेल मॉडल्स होते हैं गाइस वो कितने ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और ऐसी क्या चीजें गाइस जो उन्हें इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और कैसे उनका ड्रेसिंग सेंस एंड फैशन स्टाइल ऑन पॉइंट रहता है और कैसे एक कॉमन मैन भी एक मॉडल की तरह लग सकता है, तो उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और बिलीव मी, ये टिप्स गाइस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एक मॉडल की तरह दिखने में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बात करूं नंबर वन चीज की जो हर मॉडल में बहुत ज्यादा स्टैंड आउट होती है, वो है गाइस उनका हेयर स्टाइल। अब हेयर स्टाइल से मेरा मतलब कोई भी हेयर स्टाइल नहीं है, क्योंकि मॉडल के पीछे गाइस बहुत ज्यादा हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं जो उन्हें अच्छा सा लुक देते हैं। बट इस केस में जरूरी नहीं कि आपके पास एक हेयर स्टाइलिस्ट हो, आपका जो नॉर्मल बाबर है अगर आप उसे अच्छे से गाइड करते हैं लेंथ के बारे में, साइड पार्ट के बारे में, तो वो भी आपको एक मॉडल जैसा लुक दे सकता है। और हेयर स्टाइल के रिलेटेड इस चैनल पे गाइस आपको काफी वीडियोस मिल जाएगी, बट आज बात हो रही है मॉडल की, तो स्पेसिफिक ऐसे कुछ हेयर स्टाइल्स है गाइस जो बहुत ज्यादा टॉप में रहते हैं और हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। तो ये मॉडल्स के हेयर स्टाइल्स आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें से फोर हेयर स्टाइल है गाइस जो आपको ट्राई करना है। और ये फोर सेलिब्रिटीज गाइस बहुत ज्यादा फेमस है स्टाइल एंड फैशन को लेकर, जिसमें से नंबर वन है ज़ैन मलिक का जो मॉडर्न क्विफ है, जो हमेशा सजेस्ट करता हूं, जो कि काफी इजी टू कैरी है और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगता है और ऑल टाइम हमेशा ट्रेंड में रहता है। और मॉडर्न क्विफ गाइस बहुत लोगों पे सूट होता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। बात करूं नंबर टू की, तो आप ऋतिक रोशन का जो वॉर वाला हेयर स्टाइल है, वॉर मूवी में जो उन्होंने रखा था, वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगेन ऋतिक रोशन बहुत ही वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम बंदे हैं और वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं फैशन एंड स्टाइल को, जैसे कि उनका जो स्टाइलिश ब्रांड HRX है वो भी फैशन के रिलेटेड ही है, इसीलिए फैशन एंड स्टाइल को लेके वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो ये हेयरस्टाइल आप ट्राई कर सकते हैं। बात करूँ थर्ड की, जो कि इटालियन मॉडल है मैरियनो डीवी, आई डोंट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बट इनका जो पोम्पैडर लुक है गाइस वो हमेशा से बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइल है। और बात करूँ फोर्थ की, जो कि है टर्किश मॉडल कैन एमन, और मैन बन कैन एमन का जो हेयर स्टाइल है गाइस उसमें वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, बहुत ही मैस्कुलिन वाइब देता है, तो ये फोर गाइस जो आप ट्राई कर सके, जो कि टॉप मॉडल ने ट्राई किया है और जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एक मॉडल जैसा लुक देने में। बात करूं नंबर टू की, जो मॉडल में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड होती है वो है उनकी शार्प जॉ लाइन। अब ये चीज गाइस सबके पास नहीं होगी, ऑल्दो मेरे पास भी इतनी शार्प जॉ लाइन नहीं है, बट ये चीज मैंने इसलिए ऐड की है कि आप अगर जॉ लाइन आपकी शार्प नहीं है और अगर आप नॉर्मली थोड़ी सी लीन टाइप है तो उस केस में आपकी जॉ लाइन थोड़ी सी अच्छी दिख सकती है, लेकिन अगर आपकी बियर्ड आती है गाइस तो आप जॉ लाइन को बहुत ज्यादा कवर कर सकते हैं और बियर्ड अच्छी सी रखे। जैसे कि विराट कोहली की बात करूं, तो आपने विराट कोहली का जो बियर्ड लुक देखा होगा उसमें उनकी जो जॉ लाइन दिखती है वो बहुत ज्यादा शार्प दिखती है, तो अगर आप प्रॉपर बियर्ड को शेपिंग करते हैं और बियर्ड की जो कैटेगरीज होती है वो ट्राई करते हैं, तो आपकी भी एक अच्छी सी जॉ लाइन दिख सकती है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी स्टैंड आउट करने में। तो ये चीज आपको करनी है, बियर्ड थोड़ी सी शेप करो जिससे आप बहुत ज्यादा स्टैंड आउट होंगे। और बात करो नंबर थर्ड की, जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है एक मॉडल में, वो है उनकी क्लियर स्किन। एंड उसका रीजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेकअप भी है, बट उनकी नेचुरल स्किन भी क्लियर होती है, उसके रीजन काफी ज्यादा, क्योंकि एज अ मॉडल उनको बहुत ज्यादा डाइट एंड फिटनेस पर ध्यान देना पड़ता है और उनकी जो हैबिट्स होती है फूड से लेकर फिटनेस को उनको ट्राई करना पड़ता है, जैसे कि विटामिन सी रिच फूड, और इवन तो कई केसेस में वो ग्लूटामिन भी लेते हैं जिससे उनको थोड़ा सा फेयरनेस या ब्राइटनेस मिलती है। अब ग्लूटामिन लेने तो मैं नहीं बोल रहा, बट अगर आप कुछ चीजें करते हैं क्लियर स्किन को लेने के लिए, जैसे कि फेस पैक अप्लाई करना जिससे डेड सेल रिमूव हो जाते हैं, और फेस वॉश यूज करना एटलीस्ट दो बार अगर आप फेस वॉश यूज करते हैं अपने स्किन टाइप के रिलेटेड, जैसे कि ऑयली हो या ड्राई हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्लियर स्किन देने में। और अगेन ये तो थोड़ी नॉर्मल चीज है जो आपको क्लियर स्किन देती है, बट इसके अलावा मॉडल काफी चीजें करते हैं, जैसे कि ब्लीच लेना या स्पा करना जो स्किन के लिए स्पा होता है, और भी लेजिक वगैरह भी करते हैं, बट उतनी चीजें आपको नहीं करनी, आप नॉर्मली फेस पैक, फेस वॉश और मंथली में ये चीजें करते हैं तो आपको क्लियर स्किन मेंटेन हो सकती है। और प्रॉपर डाइट अगर आप लेते हैं, विटामिन ऐड करते हैं, मल्टी विटामिन ऐड करते हैं, उससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड हो सकती है। लेकिन ये चीज करने के बावजूद भी अगर आपको उतना ग्लो नहीं मिल रहा है, जो कई केसेस में मॉडल को नहीं मिलता, तो उस केस में मॉडल्स जाते हैं मेकअप के लिए। अब बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी हो या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ऐड भी करते हैं, तो वो मेकअप अप्लाई करते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। मॉडल ग्रूमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है मेंस कम्युनिटी में, पहले मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए होता था बट अब मेंस भी करते हैं, और इवन दो आप भी ये चीज कर सकते हैं, बट मेकअप से मेरा मतलब है कि कौन सी क्रीम आपको अप्लाई करनी है जो मॉडल्स करते हैं। तो मैं कुछ क्रीम्स के नाम बता देता हूं, ऑल्दो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, लेकिन स्क्रीन पे आपको फोटो आ रही होगी जिसको आप परचेस कर सकते हैं और लिंक मैं दे दूंगा। ज्यादातर ये जो प्रोडक्ट्स है थोड़े से कॉस्टली है, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जैक्टली ये मॉडल यूज करते हैं जिसमें स्किन हाइड्रेटर है और सीरम है जो थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह बढ़ते हैं, जो आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको कम करते हैं, उसको लाइट करते हैं, तो ये चीज आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिंपली लॉरेल का जो स्किन परफेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो थोड़ा उतना लुक तो नहीं देगा बट थोड़ा सा फिक्स कर देगा, थोड़े से आपके लुक को थोड़ा सा ब्राइटनेस दे सकता है। उसके बाद आप थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर सकते हैं जो कि पॉन्ड्स का होता है, जिससे जो आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी क्लियर दिखेगी। जैसे कि मैंने बताया एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट है, जैसे कि क्रीम मर्ड और सीरम और हाइड्रेटर, स्किन हाइड्रेटर, ये बहुत ज्यादा है, तो आप लॉरेल स्किन परफेक्टली जा सकते हैं जो डेली डेली, जैसे कि आप शूट वगैरह
वगैरह करना है तो उस केस में आप मेकअप कर सकते हैं, या ओकेजनली अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको थोड़ा सी ये चीज़ें हाइड करनी है तो उस केस में ये लॉरियल स्किन परफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपको अमेजोन पे आपको 600 रुपीज में मिल जाएगा जो आप बाय कर सकते हैं। और अब बात करूँ फोर चीज़ की जो मॉडल को अट्रैक्टिव बनाता है, वो है उनका गाइस ऑन पॉइंट फेशियल केयर। अब फेशियल केयर से मेरा मतलब है अगर आप ऐसे बंदे हो जो 2 मंथ्स में एक बार हेयर कट करते हो और 3 मंथ में एक बार बियर्ड शेव करते हो तो बिलीव मी दूर दूर तक आप मॉडल जैसे नहीं दिखोगे। आपको ग्रूमिंग की थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी होती है बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप एक मॉडल का ग्रूमिंग रूटीन देखते गाइस तो वो 15 से 25 डेज में अच्छे से ग्रूम करते हैं, चाहे उनकी बियर्ड हो चाहे उनके हेयर कट हो। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं या मॉडल की तरह दिखना चाहते हैं तो आपको फेशियल केयर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। नो मैटर आपकी फुल बियर्ड आती है या हाफ बियर्ड आती है, अगर आपकी पैची बियर्ड भी आती है तो अगर आप अच्छे से शेप करते हैं तो आप भी एक मॉडल की तरह दिख सकते हैं। तो पैची बियर्ड को फिक्स करना है, थोड़ा सा शेप करना है और 15 से 20 डेज में एक अच्छा सा हेयर कट लेना है जो आप पे सूट होता है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके फेशियल केयर को स्टैंड आउट करने में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, अगर आपको डार्क आईब्रोज है या ब्रॉड आईब्रोज है या मिड सेक्शन में भी आईब्रोज में बहुत ज़्यादा हेयर है तो उसको आपको थ्रेडिंग करके रिमूव करना है, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी। वो थोड़ा सा आपको क्लियर करना है, आप थ्रेडिंग से भी कर सकते हैं जो ओवरऑल आपके फेशियल केयर को इनहांस कर देगा। और अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में जो मॉडल को सबसे ज़्यादा स्टाइलिश बनाती है, वो है गाइस उनका ड्रेसिंग स्टाइल। तो गाइस नो डाउट मॉडल ही ड्रेसिंग एंड फैशन स्टाइल ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं और इसके रीजंस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एज अ मॉडल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैशन को क्रिएट करना पड़ता है, ट्रेंड क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं आपको ट्रेंड क्रिएट करने नहीं बोल रहा, वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, लेकिन मॉडल की एक खास बात यह है जो उन्हें इतना ज़्यादा स्टाइलिश बनाती है, वो है गाइस वेरिएशन। अब वेरिएशन से मेरा क्या मतलब है, तो गाइस जो भी आउटफिट आप ट्राई करते हैं उसमें आपको वेरिएशन ऐड करनी है, और वेरिएशन से मेरा मतलब है गाइस डिफरेंट टाइप के आउटफिट ट्राई करना। जैसे कि जो मॉडल ट्राई करते हैं डिफरेंट टाइप के आउटफिट, जैसे कि कार्गोस ट्राई करना, हुडी ट्राई करना, ओवरशर्ट होता है या ड्रॉप शोल्डर होते हैं, और जैकेट्स होते हैं, हुडी होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट होते हैं गाइस, वो आपको एक्सप्लोर करने हैं। और ओकेजनल भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आप वहाँ पे एथलीजर ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप पार्टी में जा रहे हो तो वहाँ ब्लेजर ट्राई कर सकते हैं, जहाँ आप कैजुअल ट्राई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप फुल स्लीव टी शर्ट के साथ में कार्गो ट्राई कर सकते हैं, बूट्स ट्राई कर सकते हैं, स्नीकर्स ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह की वेरिएशन रखना। अगर आप एक ऐसे बंदे जो टी शर्ट और नॉर्मली चिनोज पहनते हैं जो कि एक अच्छा लुक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर लेयर कर लेते उसी आउटफिट में विद नॉर्मल जैकेट के साथ में, तो वो आपको और ज़्यादा अच्छा बनाता है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखने में हेल्प करता है। तो आपको वेरिएशन ऐड करनी जैसा एक मॉडल करता है, इसलिए मॉडल्स गाइस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने आउटफिट को लेके, और आप भी ये चीज़ कर सकते हैं वेरिएशन ऐड करके। तो गाइस ये थे कुछ टिप्स गाइस जो मॉडल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, और ये टिप्स फॉलो करके गाइस आप भी एक मॉडल की तरह दिख सकते हैं। ये वीडियो गाइस आपको हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड गाइस अगर आप चाहते हैं लेवल अप करना अपने स्टाइल, फैशन एंड ओवरऑल लुक को, तो आप मेरी गाइस ये रीसेंट वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।